राजेश पायलट जी एक बार उन्होंने कांग्रेस के इस परिवार को कांग्रेस की भलाई के लिए चुनौती दी थी एक बार, फिर वो भी झुक गए थे। लेकिन ये परिवार ऐसा है कि राजेश जी को तो सजा दी, उसके बेटे को भी सजा देने में पड़े हुए हैं। राजेश पायलट तो नहीं रहे, लेकिन उसकी जो लड़ाई है, जो खुन्नक है, बेटे पर भी निकाल रहे हैं। अब राजेश पायलट को लेके आ गए हैं, बताइए आप, उनको लेके आ गए हैं। इतने घबराए हुए हैं कि कांग्रेस पार्टी में कब क्या हुआ क्या नहीं हुआ, राजेश पायलट के राजनीति में घसीट रहे हैं। जो स्वर्गीय आत्मा है उनको लेके आप भड़काने का काम करो, गुजरों को, गुजर समाज को। और गुजर समाज इस बात को भली बात जानता है, उनको कुछ लोग भड़का रहे हैं, जिसमें हमारे बीजेपी के लोग है ही हैं, जो राजेश पायलट को भी लेके आगे घसीट करके। मैं पूछना चाहता हूं कि जो भड़काने वाले लोग हैं उनकी पार्टी ने 22 बार फायरिंग करी थी, 22 फायरिंग हुई है उस वक्त में, सोयला में हुई थी, चौंक में, घर्षणा में हुई, प्रसाद में, गुजरों में हुई है, 22, कुल 22 फायरिंग में 72 गुजर मारे गए थे, 72 गुजर मारे गए थे, 12 दिन लाशें पड़ी रही थी। और उसके बाद सरकार बदल गई उनकी और मैं मुख्यमंत्री बना। मैंने उस वक्त भी कर्नल बैंसले साहब मेरे संपर्क में रहे, धरने दिए, फिर भी उन्होंने रेल पटरी पर बैठ गए, सब कुछ किया उन्होंने। हमने प्यार से, भाईचारे, समझाइश से उनको उठाया बार बार, हमने आरक्षण दिया 1%, फिर 5% दिया। आज सैकड़ों लोग आरएस बन रहे, डॉक्टर बन रहे हैं उनके, गुजर समाज के। और सबसे बड़ी बात है, फायरिंग में मारे गए 72 लोग, मेरे वक्त में फायरिंग छोड़ो, मैंने लाठीचार्ज तक नहीं होने दिया, लाठीचार्ज नहीं होने दिया। ये किस मुंह से बात करते हैं हमारी, फिर भी भड़का रहे लोगों को। जनता समझ चुकी है, आप देखेंगे इसको सबक।